हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं रविंदर आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी व्लॉग्स पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो हमारे शोरूम से शुरू हो रहा है, गोयल हुंडई। आज यहाँ पे हम बहुत ही स्पेशल कार की डिलीवरी लेने आए हैं अपने भाई के लिए। हमारे ही घर में दूसरी गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी कौन सी है, क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ और बताता हूँ। भाई से मिलवाता भी हूँ, ठीक है। अभी अंदर चल के अभी सारी जो पेपर फॉर्मेलिटी है वो पूरी करेंगे। गाड़ी अभी वॉशिंग और पॉलिशिंग हो रही है, ठीक है। फिर जब डिलीवरी के टाइम क्या बोलते हैं, जो उसकी क्लिप्स होंगी, फिर उसके वो भी आपको सारी शेयर्स करेंगे। और अभी आपको देता हूँ गाड़ी का वॉक अराउंड। हाँ जी गाइज, जैसा कि आपने गाड़ी का वॉक अराउंड एंजॉय किया होगा, आई होप आपको गाड़ी अच्छी लगी होगी। तो भाई, गाड़ी कौन सी ले रहे हैं, i20 स्पोर्ट्स 2023 जो अपडेटेड वाला मॉडल है। हालांकि इसका वॉक अराउंड आपको YouTube वगैरह पे भी देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं भी बता देता हूँ, टायर सेक्शन वगैरह सेम है इसके, 195/55 R16 के टायर्स हैं और इस पर सारी एसेसरीज वगैरह लग चुकी हैं। एंड इसमें भी C8 सिक्योर ड्राइव के टायर आते हैं, जो मेरे को इतने मतलब परफॉर्मेंस इसकी इतनी अच्छी है नहीं मेरे, क्योंकि ये i20 L9 में भी वही मैंने बाद में चेंज भी कराए हैं। आपको पार्शल ट्रे वगैरह सब कुछ मिल जाता है इसमें। और अभी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ इसमें अपडेट हुआ क्या क्या है एक्चुअल में। तो फुली डिजिटल मीटर आता है इसका। एंड अब इसमें अपडेट क्या क्या हो गया है गाइज, इसमें आपको फुली स्टेयरिंग जो है कंट्रोल से माउंटेड मिलता है। इधर मीडिया कंट्रोल्स आ गए, वॉइस कमांड मोड, वॉल्यूम के अप डाउन, एंड इसमें ट्रैक्स चेंज करने का फ़ोन कंट्रोल्स, एंड इसमें ये अपने MID के कंट्रोल्स आ गए गाइज। इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आ गया स्पोर्ट्स मॉडल में, अच्छी बात है। इस प्राइस पॉइंट पर क्रूज़ कंट्रोल देना एक अच्छी बात है। और बाकी ये उसके क्रूज़ कंट्रोल के ही क्या बोलते सारे इसमें मतलब उसके मोड्स हैं। इसमें जस्ट ट्रैक्शन नहीं आता, कोई बात नहीं, देना चाहिए था कंपनी के, इट्स ओके। इसमें 8 इंच की ये स्क्रीन आ जाती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। एंड मैनुअल AC आ जाता है। इसका ग्लव बॉक्स देखते हैं, कूल, हाँ कूल ग्लव बॉक्स सबसे अच्छी बात है। कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है आपको, लाइक मेडिसिन रखनी है आपको, पेप्सीज वगैरह रखनी है आपने, मतलब कुछ भी रखना है तो आपको मिल जाता है सब कुछ। और इसमें एक सेफ्टी फीचर भी अपडेट हुआ है गाइज, इसमें जो रियर के 3 पैसेंजर्स हैं उसमें भी आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है और आपको हेडरेस्ट भी मिलते हैं। अब तीनों आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, तीनों हेडरेस्ट मिलते हैं। और इस प्राइस पॉइंट पे गाइज अब i20 काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रही है, अच्छा मतलब इसने एक अपना लेवल सेट कर लिया इतने फीचर्स क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के साथ। बाकी गाड़ियों में भी आते होंगे, मेरे को नहीं पता, सॉरी, बट इस प्राइस पॉइंट पे अच्छे फीचर्स आने लग जाते हैं। और आपको अगर आप देखोगे ना, ये हल्का हल्का कॉपर सा कलर है इसमें, ट्रिम्स जो दिए हुए हैं ना, अच्छी बात है। आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग ये मिल जाता है, सॉकेट USB मिल जाता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए, है ना। ये अभी एसेसरीज वगैरह इंस्टॉल हो रही हैं इसमें, कुशंस वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं, रेन वाइजर वगैरह। एंड इसमें आपको येलो लाइट्स मिल जाती हैं और ये गॉगल्स होल्डर और टिकट होल्डर मिल जाता है आपको यहाँ पे,
येलो लाइट्स है इसमें, एंड इसमें जो है ऑटो फोल्डेबल है, एडजस्टेबल भी हैं, बट जो चाबी के साथ है वो नहीं होते, कोई बात नहीं। बट ये इस पर इस पॉइंट पे गाइस फीचर पैक गाड़ी हो गई है, तो आई लाइक इट कि हुंडई इतना अच्छा काम कर रही है। तो गाइज आई होप आपने केक कटिंग की जो क्लिप्स हैं वो एंजॉय की होंगी। तो मिलिए मेरे भाई से, साहिल से, क्या हाल है भाई? ये मेरा कह लो कि कॉलेज मेट है भाई, आज से हो गए 7-8 साल हो गए हमें अपने फ्रेंडशिप को। तो भाई ने i20 स्पोर्ट्स 2023 मॉडल ली है। भाई से पूछते हैं क्यों ली है, टॉप मॉडल क्यों नहीं लिया, किस वजह से यही सेगमेंट चूज़ किया, भाई बताओ क्या सीन है, क्या है? हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज़ साहिल मित्तल। बस ऑलरेडी एक टाटा हैरियर है, टॉप एंड डार्क एडिशन, ठीक है। तो क्या है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है सबसे बेस्ट है, तो उसको ना मैं डेली यूजेस के लिए नहीं रखना चाहता था। तो ओके, वो जस्ट अभी 7th month पुरानी है, 6-7 month, 7-8 महीने हो गए, ठीक है, 7-8 महीने हो गए। बट उसकी ड्रिवन मेरी होगी कम से कम 50,000 किलोमीटर मैंने चला चुका। ओके, एक्चुअली भाई का ना थोड़ा प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग्स बनाने में काम रहता है, तो चंडीगढ़ वगैरह बठिंडा से कोई कम डिस्टेंस तो है नहीं, तो एक तरह से डेली का आना जाना रहता है, तो उस वजह से भी डेली का 500-600 किलोमीटर मेरी गाड़ी ड्रिवन हो जाती थी, कभी कभार ज्यादा भी हो जाती थी, क्योंकि मेरा हिलीज एरिया, ठीक है, आना जाना मेरा कुछ लगा रहता है। हाँ, वो भी बिजनेस के पर्पस से आना जाना रहता ही है। दैट्स व्हाई कि मुझे क्या हुआ कि वो एवरेज का इशू आ रहा था मेनली, तो जिससे मैंने सोचा कि एक और गाड़ी ली जाए, घर में आई जाए। बिल्कुल। तो मैंने सर्च किया, मैंने रविंदर जी से पूछा कि इनके पास ऑलरेडी N9 है, तो मैंने उनको पूछा कि उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स मॉडल ले लो, मेरा मन था एक्चुअली बेस मॉडल में। तो मैंने भाई को इसलिए सजेस्ट किया कि मैं कल को जैसे कई बार जैसे इसमें फीचर जैसे मैंने आपको दिखाए क्रूज कंट्रोल वगैरह, वो कहीं ना काम आ जाते हैं उस चीज़ में। मैं कहना मैं सिंपल सी स्क्रीन है, भाई ने बोला कि नहीं यार मेरे को सिंपल मतलब चाहिए घर के लिए जस्ट नॉर्मल। मैं कहा फिर भी आप एक मॉडल ऊपर ले लो, ठीक है, वो बेटर रहोगे। मैंने साइड से अपने घर जाना था, घर से साइड जाना था, जो कि चंडीगढ़ में चलती हैं या बठिंडा में चलती हैं, तो उस पर्पज़ के लिए मैंने ये अपने वहाँ के लिए ली, बठिंडा के लिए, कि हाउस नॉर्मली सिटी ड्राइविंग, बिल्कुल सिटी ड्राइविंग के लिए, सिटी ड्राइविंग के लिए। तो मुझे नो डाउट मुझे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लगी इसकी है। ब्लिनो भी मैंने चेक की, मैंने अल्ट्रोज भी चेक की है, और मैंने i20 बिल्कुल, हमने काफ़ी गाड़ियाँ चेक की। हमने लेनी हैचबैक ही थी, बट हमने सारे हाँ प्रीमियम बिल्कुल, तो दैट्स व्हाई कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो मे बी गुड प्रोडक्ट, इन फ्यूचर मुझे कोई इशू ना आए, टच वुड, तो दैट्स व्हाई गुड प्रोडक्ट। तो और लॉन्ग टर्म व्यू जरूर दूंगा इसको, बिल्कुल। हम इसका जो ओनरशिप रिव्यू वो भी जब भाई को अच्छा खासा टाइम हो जाएगा वो भी शूट करेंगे। और थैंक्स टू गोयल हुंडई जिन्होंने हमें इतनी अच्छी डील दी और कार की डिलीवरी इतनी जल्दी दे दी। सो गाइस अब करते हैं इस व्लॉग को एंड। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो और भाई को कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना, और अपने चैनल आशीष व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, सत श्री अकाल।